सूबे की सरकार महिला सुरक्षा के दावे तो बहुत करती है, लेकिन ये दावे खोखले ही साबित होते दिख रहे हैं। ताजा मामला हापुड़ कोतवाली के अटसेनी कस्तूरबा गांधी विद्यालय का है, जहां अकाउंटेंट के पद पर तैनात संविदा महिला कर्मचारी ने बीएसए ऑफिस में तैनात डीसी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो आरोपी भूपेंद्र सिंह फोन करके उससे अश्लील बातें करता है और मना करने पर धमकी देता है। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। मैंने स्टार्टिंग में अपने ऑफिस में ही बीएसए कार्यालय में शिकायत दी थी, लेकिन उसका कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं दोबारा एसपी ऑफिस में दे चुकी हूँ, डीएम कार्यालय में दे चुकी हूँ और एसटीएम गढ़ में भी दे चुकी हूँ, लेकिन मेरे केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अभी तक एफआईआर तक भी नहीं लिखी गई है। अच्छा, वो क्या कहता है, क्या परेशान करता है आपको? वो मेरे पे जो अधिकारी ऑफिस में आके मेरे से छेड़छाड़ भी करते हैं, ऑफिस आने का दबाव भी डालते हैं और उसके बाद मैं मेरे स्कूल जब मैं उनका विरोध करती हूँ तो मेरे स्कूल में जाके मेरी एब्सेंट भी लगाते हैं और कॉल पे बलगर बातें करते हैं। पीड़िता से शिकायत मिलने के बाद बीएसए ने जांच के आदेश दिए। विभागीय उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रकरण की जाँच की गई, पुलिस विभाग के द्वारा भी जाँच की जा रही, जाँच रिपोर्ट प्राप्त होते उस पर कार्रवाई सुनिश्चित। इस मामले में कार्रवाई जांच के बाद ही होगी, तो वहीं पुलिस शिक्षा विभाग का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है और कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट।